हादसों शुगर मिल की ओर गन्ने की बकाया राशि को लेकर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने इंद्री पहुंचे आप पार्टी के नेता नवीन जैहिन। नवीन जैहिन ने धरना स्थल पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया और मौजूदा सरकार यानी भाजपा पर जमकर बरसे। नवीन जैहिन ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकार में मुख्यमंत्री एवं मंत्री सभी मालामाल हैं, लेकिन सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों की बकाया राशि दिलवाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। साथ ही नवीन जैहिन ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार में बगावत के चलते वह सरकार गिरने के डर से भाजपा सरकार पहले भी चुनाव करवा सकती है। बता दें भादसों शुगर मिल के मालिक की ओर किसानों का 11 करोड़ बकाया है, जिसको लेकर नाराज किसान मंत्री करणदेव कंबोज के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। देखिए जिस तरह से किसान धरने में बैठे हैं अपनी पेमेंट के लिए, तो सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि भी किसान, जो किसान देश का पेट भरता है, लोगों का पेट भरता है, वो खुद भूखा है। और सरकार और यहाँ का जो मंत्री वो कर क्या रहा है? वैसे तो कह रहा है इस्तीफा दे दूंगा अगर किसानों का पेमेंट नहीं मिला तो। और ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है कि किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। किसान कंगाल इस सरकार में और इनके मंत्री मुख्यमंत्री मालामाल। सिर्फ इनको और कुछ नहीं करना, अपना पैसा इकट्ठा करना है। अपने इनके जितने भी MP मंत्री विधायक जो भी कुछ हैं उनको किसानों से ना जवानों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। और हम ये भारतीय किसान यूनियन की जो मांग है इनके साथ हैं, और किसानों की जल्दी से जल्दी सरकार को, और खट्टर साहब मतलब नया साल है तो कम से कम नए साल पर किसानों को कुछ तो खुशखबरी दी। हरियाणा में भाई साहब इस सरकार को जड़ से उखाड़े या फेंकने के लिए सारे जवान और किसान बैठे हैं, तैयार बैठे हैं और विधानसभा चुनाव का जल्दी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता बगावत के डर से हरियाणा के अंदर खट्टर साहब अपनी सरकार में बगावत या सरकार गिरने के डर से पहले भी चुनाव करा सकते। जिस तरह से उनके विधायक विद्रोह कर रहे हैं, रो कर रहे हैं, तो हो सकता है डरते हुए कुछ भी करवा सकते। सारी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, नब्बे की नब्बे। वो तो एक परिवार वाली पार्टी थी और वो अपना उनका पार्टी का मैटर है, अब उनको अलग होना था, इकट्ठा होना था। बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। CBI को उखाड़ के फेंकना आम आदमी पार्टी का मुख्य मकसद है। आम आदमी ये साथ मिलेगा CBI मतलब सीधा कांग्रेस, बीजेपी, आई से। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।